हेलो गाइस, मैं मुकेश कुमार सैनी सम्राट नर्सिंग एकेडमी की यूट्यूब लाइव क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आप अपन देखने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भाग 3 या पार्ट 3। प्रीवियस में पार्ट फर्स्ट हुआ, पार्ट सेकंड हुआ, आज पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हुई थी, पार्ट सेकंड में आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की बात हुई थी, और पार्ट थर्ड में आज बात करने वाले हैं प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो यही सब बात करने वाले हैं। तो गाइस, अपन देख के चलेंगे फर्स्टली कि प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है। प्लेटलेट को दूसरे नाम से जाना जाता है, मीन्स इसका दूसरा नाम क्या है। प्लेटलेट को दूसरे नाम से जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलेट का दूसरा नाम है, मीन्स प्लेटलेट को ऑल्सो नोन एज जाना जाता है दूसरे नाम से थ्रोम्बोसाइट। यदि इसकी बात करें कलर की, तो डार्क पर्पल कलर होता है। जो प्लेटलेट का कलर होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है। देन अपन बात करेंगे इंडिकेशन की कि प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन कब कर सकते हैं। तो इंडिकेशन की बात करेंगे तो इंडिकेशन में बोल सकते हैं, सिंपल सी बात यही बोलेंगे पहले तो, कि किसी पेशेंट में प्लेटलेट काउंट कम आएगा, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, उसको प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। देन अपन कुछ टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि किसी पेशेंट को हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यदि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे, मीन्स प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे। याद रहे गाइस, यहाँ पे फोकस करना थोड़ा सा, इस थ्रोम्बो वर्ड को अलग करना है, थ्रोम्बोसाइटो को अलग करना है। मीन्स मैंने इस वर्ड को अलग किया, थ्रोम्बोसाइटो को अलग कर दिया। मीन्स आपको पता है गाइस कि थ्रोम्बोसाइटो, थ्रोम्बोसाइट का मतलब तो क्या होता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइट्स की, प्लेटलेट्स की। यहाँ पे पीनिया वर्ड और ऐड हो गया, तो पीनिया का मतलब क्या रहेगा। पीनिया का वर्ड हमेशा डिक्रीज समझो, मीन्स पीनिया मतलब कमी हो गई, डिक्रीज हो गया है यहाँ पे। मीन्स आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट की कहीं ना कहीं पेशेंट में कमी हो चुकी है, उस बात को क्या बोल के चलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। मीन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, जहाँ पे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है उसको बोल के चलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। यहीं पे गाइस मैं बात करके चलूँगा कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो आगे अपन बात करके चलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कब कब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया किस कंडीशन में देखने को मिलता है, सबसे फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एक तो डेंगू में डिक्रीज होता है, दूसरा ब्लड कैंसर, और तीसरा होता है चिकनगुनिया में कम होता है। देन एक बात कर सकते हैं बोन मेरो डिप्रेशन में भी क्या हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब बात करने वाले हैं। तो मैंने क्या बात की यहाँ पे कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मीन्स प्लेटलेट का काउंट कम किस किस कंडीशन में होता है। तो बात करके चलेंगे गाइस कि प्लेटलेट का काउंट कम होता है डेंगू में, सभी को पता है, कॉमन बात है, गाँव में भी सभी जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। गाँव वाले लोग तो ये बोलते हैं कि प्लेट कम हो गई, प्लेट कौन सी होती है वो नहीं जानते वो, लेकिन प्लेट बोल सकते हैं वो। तो डेंगू में प्लेटलेट कम होंगी, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया बोल सकते हैं। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर बोलते हैं, मींस एक ही बात है, ब्लड कैंसर बोल सकते हैं या फिर ल्यूकेमिया बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, मींस क्या बोलोगे टर्मिनोलॉजी, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया देखने को मिलता है। ओके, आगे बात करके चलेंगे चिकनगुनिया, जिसको अपन बोलते हैं कि गोडा तोड़ बुखार, जिसमें जो अपने नीज हैं, घुटने हैं, उनमें बहुत पेन होता है, जिसको गोडा तोड़ बुखार बोल सकते हैं। बोन मेरो डिप्रेशन, जिसमें बोन मेरो डिप्रेशन हो गया, जहां से ब्लड सेल बनती हैं, ब्लड सेल कहां पे बनती है, बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल बनती हैं, और बोन मेरो का क्या हो गया, डिप्रेशन, मतलब क्या होगा, वहां पे ब्लड सेल नहीं बनेगी, और ब्लड सेल नहीं बनेगी तो क्या होगा,
ब्लड सेल की कमी होगी, मींस प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। ये तो बात होती है इंडिकेशन की, शायद समझ में आ गया होगा। सिंपल सा पॉइंट में बता दूं आपको, किस पेशेंट को प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे, उस पेशेंट को प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे जिसमें प्लेटलेट की कमी हो चुकी है, उसको आप, फिर से मैं इंडिकेशन कर रहा हूं, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप सभी टर्मिनोलॉजी में बोलोगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट की कमी हो चुकी है। प्लेटलेट की कमी किस किस कंडीशन में होती है, डेंगू में होती है, ब्लड कैंसर में होती है, चिकनगुनिया में होती है और बोन मेरो डिप्रेशन में होती है। नेक्स्ट बात करके चलेंगे, ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वर्ड लिखा। अब कोई बोलेगा कि सर आरबीसी के लिए कोई वर्ड लिख सकते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी का नाम, दूसरा नाम क्या है, उसकी बात की थी अपन ने प्रीवियस क्लास में। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलेंगे मींस इसके भी पीनिया लगा दे, क्या इसके भी इरिथ्रोसाइट के भी पीनिया लगा दे तो क्या हो जाएगा, समझ गए सभी पहले ही, क्या इरिथ्रोसाइटोपिनिया मतलब क्या हो गया, आरबीसी कम हो चुकी है, पिनिया का मतलब ही क्या, समझना आपको। एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी आपके लिए नहीं हो सकती है या पहले से आपको आता भी होगा, पिनिया का मतलब ही क्या होगा, कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है। नेक्स्ट ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपिनिया का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोल के चलेंगे। तो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी में क्या, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट को अपन ल्यूको, ल्यूकोपिनिया, पिनिया मतलब डिक्रीज, मतलब डब्ल्यूबीसी क्या हो गई, ल्यूकोसाइट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई है, डब्ल्यूबीसी कम हो गई है, उसका काउंट कम हो गया है, उसको क्या बोल के चलेंगे, ल्यूकोपिनिया। मींस तीनों को मैं एक साथ में बोल रहा हूं। फर्स्टली मैं बोलना चाहूंगा कि यदि किसी पेशेंट में प्लेटलेट की कमी होती है उसको बोल के चलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। गाइस फोकस करना क्वेश्चन पे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होना, इरिथ्रोसाइटोपिनिया आरबीसी का डिक्रीज होना, ल्यूकोपिनिया डब्ल्यूबीसी का डिक्रीज होना या कम हो जाना। तो सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, दूसरा नाम तो है ही इरिथ्रो, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, पिनिया लगा दो, पिनिया का मतलब मैंने बता दिया डिक्रीजमेंट होता है, मतलब कम होता है। चलो आगे बात करके चलते हैं, जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट में यदि बात करें कि वन यूनिट में, प्लेटलेट की वन यूनिट में कितना एमएल ब्लड होता है, मतलब कितनी प्लेटलेट्स होती हैं, वन यूनिट इक्वल टू 50 to 70 ml। जो प्लेटलेट का बैग होता है उसमें वन यूनिट में कितना एमएल ब्लड होता है, मतलब प्लेटलेट्स होती हैं 50 to 70 ml होता है। गाइस यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं कि प्लेटलेट के बैग में वो कितना एमएल, उसका वॉल्यूम कितना होता है, इसको यूनिट या इसमें वॉल्यूम, वन यूनिट में कितना वॉल्यूम होता है, इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम होता है, तो आप बोलोगे 50 to 70 वॉल्यूम होता है, मतलब ml में बात करके चलेंगे तो यहां याद रखना 50 to 70 ml वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो बोल सकते हैं प्लेटलेट को कभी भी कम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करेंगे, जैसा कि अपन आरबीसी और ब्लड को कर रहे थे वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट को यदि कम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट का क्लोट बन जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट का फंक्शन ही क्या है, प्लेटलेट का फंक्शन ही क्या है, क्लोट। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लोट करना, ब्लड का थक्का बनाना। मीन्स यदि इसको कम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्लोट बन जाएगा। तो बात करने वाले हैं स्टोरेज टेम्परेचर 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड।
22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर करने वाले हैं। तो गैस आपके लिए क्वेश्चन रहेगा क्या कि रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा कि नॉर्मल एक रूम होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो कितना होता है, नॉर्मली बात करके चलेंगे कि रूम टेम्परेचर भी इसी के इक्वल होता है, मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फोकस करना गाइस, क्वेश्चन नया तैयार हो गया है कि एक नॉर्मल रूम का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात करके चलेंगे, फोकस करना गाइस, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि आप जिस रूम में रहते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है। उसका टेम्परेचर होता है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको कनेक्ट करो, एक दूसरी चीज़ को कनेक्ट करके चलेंगे तभी याद हो पाएगा, तभी समझ में आएगा कि अपना टेम्परेचर, खुद का अपना टेम्परेचर कितना होता है। अपना टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फारेनहाइट में बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है खुद किसका, एक ह्यूमन बींग्स का। तो बात करके चलेंगे यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। देन बात कर रहा हूं मैं क्या, प्लेटलेट को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 22 to 24। सर बात तो एक ही है कि रूम का टेम्परेचर भी यही है और प्लेटलेट को भी यहाँ पे स्टोर करेंगे। मीन्स क्या कह सकते हो कि सर प्लेटलेट को स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्या क्लियर है गाइस, प्लेटलेट को कहां पे स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर भी याद नहीं रहे तो मैं बता दूं, सुबह सुबह आप नाश्ता करते हो प्लेट में करते हो, इसकी बात नहीं कर रहा प्लेटलेट्स की, मैं प्लेट की बात कर रहा हूं आपके ब्रेकफास्ट वाले, ठीक है। तो आप जो प्लेट में ब्रेकफास्ट करते हो तो वो कहां से, किचन से उठा के लाते हो, मीन्स रूम से उठा के लाते हो। रूम में रहती है, किचन में रहती है, मीन्स उस किचन का रूम का टेम्परेचर कितना होगा, रूम का किचन का टेम्परेचर 22 to 24। मीन्स प्लेट वो भी रूम टेम्परेचर पे, ब्रेकफास्ट वाली भी और ये प्लेट भी रूम टेम्परेचर पे। ऐसे कंसेप्ट को आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लो जिससे याद रह पाएगा। चलो आगे बात करते हैं, ये टेम्परेचर की बात होती है। नेक्स्ट इसको ट्रांसफ्यूज कितने टाइम में कर देंगे, ट्रांसफ्यूजन टाइम कितने टाइम में इसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तो याद रहे 15 to 30 मिनट ट्रांसफ्यूजन टाइम है। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क कर लेना, और जहां जहां पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं वो तो आपको पता भी होगा कि क्या करना है, माइंड में यहां पे सेट कर लेना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आपको। नेक्स्ट बात करने वाला हूं क्या, हाँ बात हुई ट्रांसफ्यूजन टाइम कि प्लेटलेट को कितने टाइम में ट्रांसफ्यूज कर देंगे पेशेंट को। तो 15 to 30 मिनट में करके चलेंगे। मीन्स प्रैक्टिकली लाइफ में तो मैं बोलूं तो ये बोलते हैं कि प्लेटलेट को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट ट्रांसफ्यूज कर दो, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो 15 to 30 मिनट की बात करके चलेंगे, ठीक है। सर इतना फास्ट क्यों करते हैं, फास्ट इसलिए करते हैं यदि उसको स्लो स्लो करेंगे तो प्लेटलेट का फंक्शन आपको पता है, प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट का फंक्शन तो क्लोट, ब्लड क्लोट करना होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनाना होता है। तो बात करके चलेंगे कि यदि स्लो स्लो ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा, जम जाएगा। तो उसको फास्टली ट्रांसफ्यूज करेंगे, स्लो ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करेंगे यहां पे। नेक्स्ट यहां पे एंटीकोगुलेंट क्या डालेंगे, एंटीकोगुलेंट क्या डाल के चलेंगे। तो एंटीकोगुलेंट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपन ने, तो वही सोडियम सिट्रेट की बात करके चलेंगे, सोडियम सिट्रेट की बात करके चलेंगे। मींस इसको तो फोकस करना ही होगा कि ब्लड में एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ब्लड में एंटीकोगुलेंट होता है सिट्रेट, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं अपन। फोकस रखना, सो जाना मत, नींद आ गई होगी आपको, है तो
सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट की बात करके चलेंगे, मींस ब्लड में एंटीकोगुलेंट क्या होता है, सिट्रेट होता है। देन आगे बात करेंगे कि जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं, मींस कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो कैसे कैसे इसको कलेक्ट कर सकते हैं प्लेटलेट का कलेक्शन। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या है और फंक्शन कैसे करती हैं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेटलेट कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, सबसे फर्स्ट किसी को इंजरी होती है, चोट लगती है, यदि किसी पेशेंट को इंजरी होती है, चोट लगती है, सबसे फर्स्ट उसको चोट लगा मींस उसको कट लगा, कट लगने के बाद क्या होगा, उसको वहां पे ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग चोट लगते ही एक्टिव क्या होंगी, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट प्लेटलेट्स। क्या यदि किसी पर्सन को चोट लगती है, वहां पे ब्लीडिंग होती है, इंजरी होती है, तो वहां पे चोट लगते ही इंजरी होती है, एक्टिवेट प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, एक्टिव होके क्या करेंगी, कम ऑन साइट, कम ऑन साइट, जहां पे इंजरी हुई है, जहां पे इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हुई है, उस साइट वो चल के दौड़ के आ जाएंगी कि कहीं ना कहीं मेरे काम की जरूरत पड़ गई, मेरी जरूरत है, और वो दौड़ के वहां पे आ जाएगी, ठीक है। प्लेटलेट कहां पे आ गई, जहां पे इंजरी हुआ वहां पे दौड़ के आ गई। देन वहां पे चेंज इन सेफ, वो अपनी शेप में चेंज कर लेंगी, ठीक है, अपनी साइज और शेप है उसमें चेंजेज करेंगे, क्योंकि अब उनको काम करना है, काम करना है, तो अपनी शेप में चेंजेज करेंगी। देन वहां पे केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करेंगे, सिक्रेट, सिक्रेट केमिकल, केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर, एक केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करेंगी, और केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करने के बाद क्या होगा, केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करने के बाद में एग्रीगेशन होगा, एग्रीगेशन होगा, एग्रीगेशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब चिपक जाना, वो एक दूसरे के तरफ चिपक जाएंगी, मीन्स वो आपस में चिपक जाएंगी, मीन्स उस बात को अपन एग्रीगेशन बोल के चलेंगे। देन लास्ट में एग्रीगेशन एडिशन, वो चिपक गई, आपस में चिपक गई, तो उसी बात को बोल के चलेंगे क्या, ब्लड क्लोट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसकी प्रोसेस होती है ब्लड क्लोट की, कि प्लेटलेट कैसे अपना काम करती है और कैसे यहाँ पे ब्लड को रोक पाती है इंजरी होने के टाइम में। सिंपली ध्यान देना, फोकस करना, यदि किसी पेशेंट को इंजरी होता है, इंजरी होगा तो एक्टिवेट प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगी, प्लेटलेट एक्टिव होने के बाद में वो कम ऑन साइट, साइट पे चल के आ जाएगी, दौड़ के आ जाएगी। चेंज इन सेफ, वो अपनी सेफ में चेंजेस कर लेगी, अब उसको काम करना है, एक मजदूर को भी काम करना है तो वो ड्रेस चेंज करता है, मतलब अपनी चेंजेस करता है अपने में, तो चेंज इन सेफ, ये भी चेंजेस करेगी अपनी सेफ में। देन सिक्रेट केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करेगी, देन आपस में चिपक जाएगी, एडिशन हो जाएगी, एग्रीगेशन कर लेगी, देन वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये बात होती है कि क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो गाइस उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया कुछ भी, यदि कोई प्रॉब्लम किसी के भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बताना, मैं जरूर आपको समझाऊंगा। चलो आगे अपन बात करने वाले हैं, मैं बीच में ही कुछ टॉपिक की बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग या आफ्टर, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग या आफ्टर कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि दोबारा सर ने रिपीट किया क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टास्क के रूप में ये क्वेश्चन दिया था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उसका वेट करूंगा, ऐसा कुछ बोला था मैंने। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि सिंपल भाषा में, यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, यदि किसी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से कौन सा इन्फेक्शन होता है, क्या
कि किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है ना, वो कौन सा इन्फेक्शन है, तो उसका आंसर रहेगा, मैं यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हिपेटाइटिस सी। हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस सी इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोकस करना, कभी मत भूलना, नोट डाउन कर लेना। हिपेटाइटिस सी आफ्टर या ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा हिपेटाइटिस होता है, सी होता है। ठीक है, तो याद रखना गाइस। चलो आगे बात करते हैं। बात चल रही थी प्लेटलेट की, भूल मत जाना कि क्या चल रहा था, सो मत जाना कहीं। ठीक है, तो बात कर रहे थे प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट में मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, सबसे फर्स्ट में बात करना चाहूंगा, इसको दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आरडीपी, आरडीपी, सेकेंड वन इज एसडीपी, आरडीपी और एसडीपी। अभी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं इनको ये तो पता है कि एसडीपी और आरडीपी क्या है, बहुत बार सुनते हैं, कॉमन बात है, सभी सुनते रहते हैं। तो आरडीपी क्या होता है, एसडीपी क्या होता है, आरडीपी की यदि बात करके चलेंगे इसका फुल फॉर्म की, तो रेंडम, रेंडम डोनर प्लेटलेट, रेंडम डोनर प्लेटलेट। और यदि एसडीपी की बात करके चलेंगे तो बात करेंगे सिंगल डोनर प्लेटलेट, सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन तो हर लाइन से बनता ही है, बट मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चन आएगा आरडीपी का फुल फॉर्म क्या है। आरडीपी का फुल फॉर्म होता है रेंडम डोनर प्लेटलेट, और एसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट। बात करके चलेंगे, वैसे इस नाम में सब कुछ बताया गया है, यदि आप फोकस करो, समझने की कोशिश करो, इस नाम में सब कुछ बताया गया है। रेंडम डोनर प्लेटलेट, किसी भी पर्सन को रेंडमली उठा के उसका ब्लड लेके उसकी आरडीपी ले सकते हैं, मींस यहां पे बोलना चाहूंगा किसी से भी ले सकते हैं, नो नीड, नो नीड सेम ब्लड ग्रुप पर्सन, सेम ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप पर्सन, कोई भी सेम ब्लड ग्रुप पर्सन की जरूरत नहीं है, किसी से भी ये आरडीपी ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, सेम ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की नीड नहीं होती। इसमें बात करना चाहूंगा ब्लड मैचिंग, ब्लड मैचिंग, ब्लड मैचिंग नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ब्लड मैचिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब अपने को सेम ब्लड ग्रुप का पर्सन चाहिए ही नहीं तो ब्लड मैचिंग की कोई जरूरत नहीं है, मींस ये किसी से भी ले सकते हैं, रेंडम डोनर प्लेटलेट मींस रेंडमली किसी से भी ले सकते हैं, दूसरा ब्लड मैचिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सिंगल डोनर प्लेटलेट मींस डोनर कर सकता है, डोनेट कर सकता है कौन, सिंगल पर्सन, सिंगल मतलब सेम ब्लड ग्रुप पर्सन, सेम ब्लड ग्रुप पर्सन, सेम ब्लड ग्रुप पर्सन, इसमें सेम ब्लड ग्रुप का पर्सन होगा, मींस यदि किसी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की नीड है, आवश्यकता है, यदि उसका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको देगा भी कौन प्लेटलेट, मींस प्लेटलेट